तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रामलाल आनंद कॉलेज के बारे में, जो कि एक साउथ कैंपस का कॉलेज है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, सोसाइटीज के बारे में बताऊंगा। यार अगर आप उस कॉलेज के ओरिएंटेशन 14 को हो गया था वैसे तो, लेकिन अगर आप अभी कॉलेज के अंदर नहीं गए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑब्वियसली अगर आप चले गए हो तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, साथ में कैंपस टूर कराता हुआ इसका एंड कर रहा हूँ। तो यार वीडियो का एंड तक जरूर देखना। यार सबसे पहले NIRF रैंकिंग की बात करूं तो यार ये रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वैसे काफी साउथ कैंपस के कॉलेज से बेटर है। कॉलेज टाइमिंग की बताऊं तो यार 9 से 3 सारी क्लासेस लगभग रहती हैं, एक दो क्लासेस 5 बजे तक भी चली जाती हैं जो साइंस की होती है एक्सपेरिमेंट, और वो जरूरी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ना कई जैसे आपके जनरल सब्जेक्ट के अलावा आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, उसकी क्लास लेना आपके पास उतना जरूरी नहीं होता है, तो वो लेट जाती है तो आप उसको मिस भी कर सकते हो। लोकेशन की बताऊं तो यार रामलाल आनंद कॉलेज बेनीदो जुरेज मार्ग साउथ मोतीबाग में लोकेटेड है। नियरेस्ट मेट्रो की बताऊं तो दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस पिंक लाइन पे लोकेटेड है। एकोमोडेशन और पीजी की बताऊं तो सत्यनिकेतन आपके पास पड़ेगा और अफोर्डेबल भी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आनंद निकेतन यार काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके हाई जो रेट है थोड़े से हाई है। इसके अलावा ग्रीन पार्क और साउथ एक्स में भी आप देख सकते हो पीजीज, वहाँ भी आपको पॉकेट फ्रेंडली मिल जाएगा। इसके अलावा यार ये जो कॉलेज है ये मोतीलाल नेहरू और आर्यभट्ट कॉलेज के काफ़ी पास में है। रामलाल आनंद इवनिंग कॉलेज जो था पहले वो आर्यभट्ट कॉलेज ही था, जो कि अब फुल फ्लेश्ड मॉर्निंग कॉलेज हो गया है आर्यभट्ट कॉलेज, वो पहले रामलाल आनंद इवनिंग कॉलेज था। BMS यार इसका काफी पॉपुलर कोर्स है, ठीक है, पॉपुलर कोर्स है इसका। PGDAV की बात करूं तो यार RLA बेटर है PGDAV से, कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। प्लेसमेंट सेल की बात करूं तो यार प्लेसमेंट वैसे तो इनका ज्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे इनका प्लेसमेंट सेल है पाथवे, जो कि काफ़ी एक्टिव है, मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज वगैरह विजिट भी किया है, बच्चों से भी रिव्यू लिया है। तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी RLA स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है पाथवे जो इनका है। इसके अलावा यार मैंने जो चेक करे थे कंपनीज जो उन्होंने डाली हुई हैं पार्टिसिपेट करती हैं, लाइक बायजूस, BQ, मैजिक पिन, अपना कैंपस, TCS, नाइट आउट, इंटेलीपार्ट, स्टेंजा लिविंग, माईवेज। इसके अलावा इंटर्नशिप फेयर, जॉब फेयर भी होते रहते हैं कॉलेज के अंदर, तो वहाँ भी आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। और कैंपस के अंदर भी जो इंटर्नशिप फेयर होते हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए आपको रेगुलर इनके इंस्टाग्राम जो प्लेसमेंट सेल का पेज होता है उसको विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके कुछ खास बातें बताऊं तो यार कैंटीन इसकी काफी बढ़िया है, मेरे ख्याल से आपकी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस रहेगी कॉलेज की कैंटीन। फैकल्टीज यार गुड है, जो बच्चों से मेरे को पता चला है फैकल्टीज यहाँ की अच्छी है। लैबोरेटरीज काफी अच्छी मेंटेन्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बताऊं तो मतलब ग्रोइंग है, अभी भी अच्छा है, लेकिन और भी आगे आपको मैं आपको कैंपस टूर के अंदर भी दिखा रहा हूँ। RLA का जो कैंपस क्राउड है वो काफी डिसेंट है। आर्यभट्ट कॉलेज के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया इवनिंग कॉलेज था पहले वो। सत्यनिकेतन एक बेस्ट प्लेस है यार आपके आसपास आप हैंग आउट करने के लिए। अब कैंपस फैसिलिटीज की बताऊं तो गर्ल्स कॉमन रूम आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर वेल इक्विप्ड है, और क्लीन वॉशरूम, कंफर्टेबल सिटिंग आपको देखने को मिलती है, एक प्रॉपर स्पेस गर्ल्स के लिए बनाया हुआ है। कैंटीन यार जैसे कि मैंने बताया प्राइड है RLA का, ठीक है, जिसके अंदर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। 40 से 60 की रेंज में आपको एक बैलेंस फूड प्रोवाइड करती है कैंटीन। इसके अलावा डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब्स के अलावा अलग से एक लेबोरेटरीज बनाई गई है कंप्यूटर, जो स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर रूम नंबर 15 में। आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ वहाँ पे, आप मतलब अगर आपका कोई वर्क है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब में जैसे क्लासेस चल रही है तो उसके अलावा भी एक आपको स्पेस दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी आपको 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है कॉलेज के अंदर। लाइब्रेरी यार इसकी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, 120 स्टूडेंट की सिटिंग कैपेसिटी के साथ लाइब्रेरी इसकी बनी हुई है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है। स्पोर्ट्स की बताऊं तो इंडोर आउटडोर दोनों देखने को मिलते हैं, लाइक चेस, टेबल टेनिस, योगा। आउटडोर गेम्स में बताऊं तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स आपको कॉलेज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए यार स्टाफ, फैकल्टी, जो कॉलेज है हाईली सेंसिटिव है, उनको जो भी उनकी स्पेशल केयर की जाती है। एम्फीथिएटर एरिया कॉलेज में देखने को मिलता है, जो कि मल्टीपर्पज़ होता है यार, ठीक है, इसमें LCD प्रोजेक्टर, सिटिंग कैपेसिटी 120 है, और फेस्ट वगैरह भी एम्फी थिएटर्स में होते हैं। कल्चरल एक्टिविटी सेंटर मतलब कि यार जो डांस म्यूजिक सोसाइटीज़ होती हैं उनको एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, रिहर्सल कर सके, और उसके अंदर एक बाउंड्री भी है कि मतलब डिफरेंट सोसाइटी वाले डिफरेंट मतलब डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, बाउंड्रीज क्रिएट करी गई हैं, जिसमें आप जैसे म्यूजिक वाले कर रहे हैं तो वहाँ पे डांस वाले कर रहे हैं तो डिस्टर्ब ना हो। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हॉल आपको कॉलेज में देखने को मिलता है, जो कि IT एनेबल्ड है। सिटिंग कैपेसिटी 70 के साथ डिबेट, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, इंटर कॉलेज फेस्टिवल जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। फोटोकॉपी शॉप कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है। स्टूडेंट करियर एंड पर्सनल काउंसलर आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है कि यार जो काउंसलिंग, कई बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक स्पेशल फैकल्टी आपके लिए रखी जाती है, जिनसे आप कभी भी अपने जो भी आपको डाउट्स है अपने करियर से रिलेटेड पूछ सकते हो।
यार इसके अलावा मैंने आपके लिए कैंपस टूर प्रिपेयर किया था इस कॉलेज का, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बताओ सोसाइटीज़ का है, सोसाइटीज़ को लेके काफ़ी अच्छा ये कॉलेज है। और मैं कहूँगा यार कई तीन चीज़ें मैं बताता हूँ कॉलेज के अंदर। एक तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिलती है उसे ज़रूर करना। दूसरा सोसाइटीज़ में यार पार्ट ज़रूर लेना है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। तीसरा फेस्ट को नहीं छोड़ना है। सोसाइटीज़ के बताऊँ तो सुगम एक सोसाइटी है जो कि यार आपको एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। स्पिक मैक एक काफ़ी अच्छी सोसाइटी है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। इसके अलावा आरओ हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी है। इसके अलावा समदृष्टि योगा एंड मेडिटेशन सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, फोटोग्राफी सोसाइटी है, क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी अभिविक्ता है, ठीक है, आवाज़ है, डिबेटिंग सोसाइटी है, ग्लास रूट्स है, वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है। इसके अलावा काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो आपको हर एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी कॉलेज के अंदर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख जाएगा इको क्लब भी आपको कॉलेज में देखने को मिलता है। कोर्सेज एंड फीस का बताऊँ तो यार आपको हर एक फील्ड के कोर्सेज देखने को मिलते हैं तीनों स्ट्रीम्स के, लाइक बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स में आपको बीएससी ऑनर्स देखने को मिलता है, बीए ऑनर्स हिंदी इंग्लिश, हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और बी ऑनर्स इन हिस्ट्री, पॉल साइंस और बी ए प्रोग्राम भी जो आपको कॉलेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका काफ़ी पॉपुलर कोर्स बीएमएस भी आपको देखने को मिलता है। फीस की बताऊं तो जो मेजरली है 13 से 18 के बीच में रहती है, लेकिन जो यूनिक कोर्स है लाइक बीएससी सीएस है उसकी ज़्यादा है, ठीक है, बीएससी सीएस की सारी जगह ज़्यादा है। इसके अलावा जर्नलिज्म और बीएमएस की भी कंपैरेटिवली दोनों से ज़्यादा है। इसके अलावा आरएलए का फेस्ट होता है यार स्प्लेंडर, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। मैं आपको इनकी एक ग्लिम्प्स भी दिखा देता हूँ। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज भी इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।